दुनिया भर में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 27.62 करोड़ हो गए। इस महामारी से अब तक कुल 53.6 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि 8.76 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए। बुधवार सुबह अपने नए अपडेट में यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग ने बताया कि वर्तमान वैश्विक मामले 27.62 करोड़ है। मरने वालों की संख्या 53,68,422 है और टीकाकरण की कुल संख्या क्रमशः बढ़कर 876,74,49,046 हो गई है। अमेरिका में सबसे ज्यादा लोगों ने गवाई जान। सीएसएससी के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा मामले में 5,12,72,854 और 8,10,045 मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। कोरोना मामलों में भारत दूसरे सबसे प्रभावित देश है। यहां कोरोना संक्रमण के 3,47,52,164 मामले हैं, जबकि यहां पर 4,78,007 लोगों की मौत है। इसके बाद ब्राजील में कोरोना संक्रमण के 2,22,19,477 मामले हैं। यहां पर 6,17,948 लोगों की मौत हुई। 50 लाख से ज्यादा मामलों वाले देश। सीएसएससी के आंकड़ों के अनुसार 50 लाख से ज्यादा मामलों वाले अन्य सबसे प्रभावित देश में यूके 1,16,07,864, रूस 1,89,945, तुर्की 92,11,710, फ्रांस 88,18,154, जर्मनी 68,69,505, ईरान 61,75,782, स्पेन 55,85,054, इटली 54,36,143, अर्जेंटीना 54,04,380 और कोलंबिया 51,10,778 है। किन देशों ने 1 लाख से ज्यादा लोगों का आंकड़ा पार किया? जिन देशों ने 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौतों का आंकड़ा पार किया उनमें मेक्सिको 2,97,916, रूस 2,93,329, पेरू 2,02,295, यूके 1,47,896, इंडोनेशिया 1,44,024, इटली 1,35,931, ईरान 1,31,187, कोलंबिया 1,29,534, फ्रांस 1,22,931, अर्जेंटीना 1,16,953 और जर्मनी 1,09,028 के साथ शामिल है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।